जिमीकंद यानी सूरन, भारत के कुछ इलाकों में इसे हाथी पांव भी कहा जाता है। इसकी सब्जी का सेवन लोग नॉर्मल तौर पर कम ही करते हैं, मगर दिवाली के दिन या रात में दिवाली के त्यौहार के चलते घरों में जिमीकंद की सब्जी लगभग अवश्य ही बनती है, क्योंकि मान्यता के अनुसार दिवाली पर जिमीकंद खाना बेहद पारंपरिक और शुभ माना जाता है। दिवाली के मौके पर सभी घरों में कई स्वादिष्ट पकवान तैयार किए जाते हैं। ऐसे में कई लोग दिवाली पर जिमीकंद यानी सूरन की सब्जी खाना पसंद करते हैं। दिवाली के मौके पर जिमीकंद का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। वहीं मान्यताओं के अनुसार दिवाली पर जिमीकंद खाने से घर में सुख और समृद्धि आती है। इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है कि बदलते मौसम में पोषक तत्वों से भरपूर जिमीकंद को एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्वों का बेस्ट सोर्स माना जाता है। वहीं दिवाली के अलावा आम दिनों में भी जिमीकंद की सब्जी का सेवन अक्सर किया जाता है। ऐसे में जिमीकंद की बढ़ती मांग के कारण कई जगहों पर इसकी खेती की भी शुरुआत कर दी गई है। दीपावली के त्यौहार में शाम को भोजन में खाया जाता है। अच्छा, तो ये कैसे होता है, किस तरीके से इसको खोदा जाता है, क्या रहती है पूरी? इसके छोटे छोटे पौधे होते हैं, वो धीरे धीरे बड़े होते हैं, उनमें फिर नीचे जड़ इसकी जो निकलती है वही जिमीकंद होता है, और उसको जो है दूर से गड्ढा बना के और उसको निकाला जाता है जमीन के अंदर से, उसके बाद में उसकी सब्जी बनाई जाती है। अच्छा, बाजारों में लगभग क्या रेट बिकता होगा? बाजारों में लगभग 50 से 60 रुपए किलो बिक रहा है। अच्छा, लेकिन विशेष ये जो है दीपावली में ही बिक्री होती है क्या इसकी? जी हाँ, विशेष कर दीपावली में ही बिक्री होती है, बाकी तो ऐसे चलता है, कभी हर समय सब्जी जब चाहो तब खाई जा सकती है, लेकिन विशेष इसका महत्व दीपावली के दिन ही होता है।